दोस्तों तो कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो कई सर बहुत सारे बंदे ये कमेंट कर रहे थे कि देखो प्रीमियम क्रेड बीजमैक आए हुए काफ़ी ज़्यादा दिन हो चुके हैं और इतनी बकवास और फिर इतनी बकवास स्किन थी भाई, इसको अब जल्दी से भगाओ। अभी फाइनली इसमें 4 दिन है, बोले तो पूरे 5 दिन है, इसके बाद आएगी न्यू प्रीमियम क्रेड। गाइस इसके बाद जो न्यू प्रीमियम क्रेड है ना, देख के आप खुश हो जाओगे भाई, बहुत खतरनाक स्किन आ रही है। बताऊँगा नहीं, अभी आप लोग वीडियो में देखते रहना तो स्किन बताऊँगा कि कौन सी आ रही है, मतलब लीक्स दिखाऊंगा। एंड गाइस आपको बताएं, देखो प्रीमियम क्रेट आएगी तो आपको पता है प्रीमियम क्रेट की जरूरत तो पड़ने वाली है, तो प्रीमियम क्रेट कैसे आप लोग फ्री में ले सकते हो काफी ज्यादा मात्रा में, तो मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो चलो वीडियो को बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। आप इस वीडियो को लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना एंड चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रीमियम क्रेड आपको फ्री में कहां कहां से मिलेगा। सबसे पहली चीज़ जो कि आप सभी लोगों को नहीं पता होगी तो मैं बता देता हूं कि देखो सीज़न पर जाना, सीज़न पे बहुत कम भी बंदे ध्यान देते कि यहां पे प्रीमियम क्रेड वो भी बहुत आसानी से मिल रहा है। तो ये चीज़ याद रखा करो कि सबसे पहली चीज़ जब न्यू सीज़न आता है इसमें आपको टारगेट मिला होगा। शायद बहुत कम बंदे होते जो इस टारगेट को सेट करते हैं। अब मैंने तो सेट कर लिया था, आपने नहीं करा होगा। तो मैं टारगेट ये है कि अगर आप लोग एस तक या एस तक नहीं, एस मास्टर के ऊपर अगर आप टारगेट्स लगाते हो तो आपको 2 प्रीमियम क्रेट मिलता है। अगर उससे कम में लगाते हो तो आपको क्लासिक क्रेट, अगर उससे भी कम लगाते हो तो एजी करेंसी है, ठीक है। तो आप लोग से मैं यही कहूँगा कि एस डोमिनेटर का आपका सेट लगा दो, 23 डेज बचे हुए हैं, आराम से आप एस डोमिनेटर कंप्लीट करके दो आप लोग यहाँ पे प्रीमियम क्रेट ले सकते हो। तो फर्स्ट ट्रिक तो यहाँ से हो गया, आप लोग यहाँ से प्रीमियम क्रेट ले सकते हो, ठीक है। सेकंड ट्रिक आपको पता है कि शॉप के अंदर ही हम लोग को देखने को मिलता है प्रीमियम क्रेट, जो कि डेली हम लोग 5 कूपन का परचेस कर सकते हैं, सॉरी 5 कूपन परचेस कर सकते हैं 100 सिल्वर कॉइन का। तो अगर आप लोगों को पास सिल्वर कॉइन तो ऑलरेडी होगी, नहीं है तो आपको बता दूँ कि देखो सीज़न आपका आता रहता है, टोकन्स आपको मिलते रहते हैं सीज़न टोकन, तो इनसे जाके आप लोग यहाँ पे जो सिल्वर कॉइन है उसको परचेस कर सकते हो, लगभग 1500 परचेस कर सकते हो या आप एजी करेंसी वगैरह ले सकते हो। तो उसके बाद वहाँ से जाके आप सिल्वर कॉइन ले, आप वो अपना परचेस कर लेना। तो दूसरी ट्रिक तो ये हो गई। तीसरी ट्रिक ये है कि आपको पता है मिशन पर जाना, एंड गाइस रिकॉल इवेंट चलता है बीजमाई के अंदर, तो आपको इस पर जाना। और आपको बता दो कि इसको अपडेट से पहले आपके पास जितनी भी रिकॉल टोकन्स होगी उसका यूज़ कर लेना, अदरवाइज अपडेट के बाद आपके पास रिकॉल टोकन 0 हो जाएगा। अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप ये वाला वाउचर लेके रख लो, ये आपके लिए 1 मंथ के लिए मिलेगा, कोई लकी स्पिन आएगा उसमें आपका यूज़ हो जाएगा। अगर और भी ज़्यादा है तो आप लोग मेरे तरीके से आके यहाँ पे जो प्रीमियम क्रेड वगैरह है उसको आप लोग ले सकते हो। यहाँ से आप लोग 40 प्रीमियम क्रेट ले सकते हो, सॉरी 40 टोकन का 10 प्रीमियम क्रेट कूपन ले सकते हो, बोले तो 2 क्रेट आपकी बन जाएगी। तो आप लोग यहाँ से आके अपना क्रेट वगैरह जो है वो ले लेना। मेरे पास अभी इतनी कॉइन नहीं है, सिर्फ मैं यहाँ पे 6 क्रेट परचेस कर सकता हूँ, कूपन परचेस कर सकता हूँ, तो मैंने परचेस कर लिया। तो तीसरी ट्रिक तो यहाँ से होगी। अब मैं जो आराम से मिल जाएगा, जो बंदे देख सकते हो कि रिकॉल वाले बंदे बहुत सारे हैं, जो आएंगे ओल्ड फ्रेंड रहेंगे मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो तीसरी ट्रिक तो ये हो गई। चौथी ट्रिक अब बात करें तो जो कि बहुत ज़्यादा कमाल की, बहुत ज़्यादा कूपन फ्री में दे रही है, ट्रिक ये है कि आप लोग को अपने अचीवमेंट पर जाना। अब आपको बता दूँ कि देखो गाइस सभी बंदों के अचीवमेंट कंप्लीट नहीं होते सभी, क्योंकि मेरा खुद नहीं कंप्लीट है तो आपका क्या ही होगा कंप्लीट। अब ये जो अचीवमेंट है इस पर आना, उसके बाद जो 3rd नंबर पे जो मेडल वाला ऑप्शन इस पर आओगे, तो इस पर आने के बाद गाइस आप सभी लोग यहाँ पर रिवार्ड्स देखो, ठीक है। आप लोग को बहुत ईजी मिशन कंप्लीट करने पर आपको यहाँ पर देख सकते हो कि 10 प्रीमियम क्रेट मिल रहा है आपको, मैंने दिखाया, ठीक है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही अचीवमेंट पर मिल रहा है, ये देख सकते हो कि ये जो कंप्लीट है इस पर तो आप दिखाई नहीं सकता, ये भी कंप्लीट हो चुका है, ये कंप्लीट इस पे दिखा देता हूं आपको। तो ये भी देख सकते हो कि यहां पे 4 आपको क्लासिक क्रेड मिल रहा है, तो यहां पे क्लासिक क्रेड प्रीमियम क्रेड की भरमार लगी हुई है। तो यहां पे देख सकते हो कि 10 प्रीमियम क्रेड फिर से मिल रहा है आप लोगों को, अच्छी तरीके से यहां पे देख लो, नहीं तो आप कहोगे कि भाई नहीं मिल रहा है तो मुझे कुछ ऐसे भी बोलो, ठीक है। ये देख सकते हो कि आपका 10 प्रीमियम क्रेड और मिल रहा है। यहां पे रूलर का है जो कि बहुत इजी है, ऐसा है नहीं कि आपको बहुत ज्यादा कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं गाइस आपको डोमिनेट कॉम्बैट मेडल लेना बहुत इजी है, चिकन करना समझ लो इस तरीके से। तो आप लोग देख सकते हो कि आपको 10 प्रीमियम क्रेट और मिल रहा है। एंड गाइस क्वाड्रा एलिमिनेशन मतलब आपको 4 किल करना रहेगा, तो ये देख सकते हो कि मतलब 1v4 करना रहेगा, तो ये देख सकते हो कि फिर से 10 प्रीमियम क्रेट आपको मिल रहा है। उसके बाद आप देख सकते हो कि मास्टर स्नाइपर मतलब शार्प शूटर का जो मेडल रहेगा वो लेना है, और कैसे मिलता है 200 मीटर पर बंदे मार दोगे तो आपको शार्प शूटर का मेडल मिल जाएगा, और जैसे 200 टाइम मिल जाएगा आपको, ये देख सकते हो कि 10 प्रीमियम क्रेट यहाँ से मिल रहा है। आप क्लासिक क्रेट तो छोड़ ही दो, मतलब भरमार है क्लासिक क्रेट की,
उसके बाद अनडिफीटेड लेजेंड का टाइटल है जो कि आपको थोड़ा मुश्किल पड़ता है, ये इसको मैंने एक्सप्लेन कर रखा है ऑलरेडी, तो वीडियो जब बहुत जल्द आएगी तो उसका बता दूंगा। इसमें भी आपको प्रीमियम क्रेडिट मिलता है, तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस बहुत सारी जगह से आपको प्रीमियम क्रेडिट मिलता है जो कि बहुत ईजी है, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं करना है फिर भी आपको प्रीमियम क्रेडिट आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे अचीवमेंट है जिनमें आपको प्रीमियम क्रेडिट बहुत आसानी से मिलता है बस चंद मिशन कंप्लीट करने पे। बाकी आप लोगों को अगर देखना रहेगा तो आप लोग अपना चेक कर लेना, या तो यहाँ से आप सेट कर सकते हो कि कंप्लीट या इनकम्प्लीट कर सकते हो, तो आपके सामने जो अचीवमेंट होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग खोजना भी नहीं पड़ेगा और आपके सामने इनकम्प्लीट अचीवमेंट सारे आ जाएंगे और आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो कि कौन सा अचीवमेंट कंप्लीट करोगे तो क्या प्रीमियम क्रेडिट मिलेगा। तो बाकी तो यहाँ से मिलता है। एंड गाइस आपको पता है कि अचीवमेंट पे आपको यहाँ पे पहले सेक्शन में भी देखने को मिलता है, रिवार्ड पे जाओगे तो देख सकते हो कि सिर्फ अगर आपके पास 1200 अचीवमेंट पॉइंट होते हैं तो आपको 8 प्रीमियम क्रेडिट मिल जाएगा जो कि आपके पास हो चुके होंगे, इसका तो कह नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे 2800 पे आपको 10 प्रीमियम क्रेडिट, फिर 3200 पे 10 प्रीमियम क्रेडिट, इस तरीके से प्रीमियम क्रेडिट के यहाँ पे भरमार लगी हुई है। तो आप लोग अचीवमेंट कंप्लीट करो, प्रीमियम क्रेडिट लेते जाओ। ऐसे ये हमारी प्रीमियम क्रेडिट की लिंक्स है जिनको प्रोवाइड करा हमारा मैट तमीज है भाई का, जिनका चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे गाइस स्टार्ट हो जाए वीडियो भाई, कहाँ ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि सबसे पहले ये बनी सेट आने वाला है क्या? ओके, मैं जैसा गेस कर रहा था तो वैसा ही बिल्कुल है, और इस बार आप सभी लोग देख सकते हो कि बनी सेट बहुत अलग है एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब ये जो प्रीमियम क्रेडिट में ये आउटफिट है ना, ये आप लोगों को बहुत पहले देखने को मिलेगा लेकिन अलग तरीके से देखने को मिला था, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा अच्छा आ रहा है बनी सेट जो कि मजा आ जाएगा और मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है ये। और इसमें सबसे मेन चीज है कि इस बार आप लोगों को कौन सी गन की स्किन देखने को मिली अभी वो देख लेना। हेलमेट वगैरह तो यार नॉर्मल से होता है, ऐसा नहीं है, हेलमेट वगैरह की स्किन आई थिंक आप लोगों के पास होगी, दूसरे तरीके से होगी लेकिन हाँ होगी ऐसी स्किन। बाकी आप सभी लोग देख सकते हो कि सिर्फ आउटफिट इसमें जो होगा वो मेरे को लगता है कि खास रहेगा, बाकी तो बैकपैक हेलमेट ग्रेनेड वगैरह की स्किन सब वैसे ही है जैसे कि हम लोग के पास ऑलरेडी एक बनी सेट होगा, आई थिंक होना चाहिए, तो वैसा ही आप लोगों का, बस थोड़ा सा अपग्रेड करके इसमें बनाया गया है, कलर्स ज़्यादा ऐड कर दिए गए हैं, कलर्स कम थे उसमें, इसमें कलर्स ज़्यादा आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो एंड ग्रेनेड की भी स्किन आ रही है जो कि आप सभी लोग देख सकते हो कि अपग्रेडेबल होने वाली है। तो प्रीमियम क्रेडिट में आप लोगों को अपग्रेडेबल गन ग्रेनेड की स्किन तो आ रही है, ये चीज़ काफ़ी सही रहेगी। अब किल फीड कैसा होगा वो आने के बाद ही पता लगेगा। फिलहाल पैराशूट भी आप सभी लोग देख सकते हो कि नॉर्मल सा पैराशूट इसकी स्किन रहेगी, इसमें ज़्यादा कलर का नहीं है। बाकी एक गन की स्किन आ रही है, एक फ्रेम आ रहा है जो कि आप सभी लोग देख सकते हो, ये फ्रेम आई थिंक पबजी BGMI में आया कि नहीं आया कोई पक्का नहीं। बाकी गन स्किन आप सभी लोग देख सकते हो कि ये आने वाली है, नॉर्मल रहेगी और नॉर्मल रहेगी तो BGMI के अंदर भी ज़रूर आएगी। और ये है कि UBZ की स्किन या कौन सी स्किन है, बहुत बकवास सी लग रही है देखने में। तो फिलहाल आउटफिट सबसे मस्त है जो कि देख के अगर आप पहनोगे तो बहुत अच्छा लगेगा।